हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवी स्टडी रूम। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड चेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड चेल? ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, कभी एक मार्क के लिए आएगा, कभी दो मार्क के लिए आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो वहां पे आपको वर्ड चेल बनाने के लिए बोलेंगे, तो आपको वर्ड चेल बनानी है। सो व्हाट इज वर्ड चेल? एक ऐसी चेन जिसमें वर्ड्स हो, सो वर्ड्स की बनी हुई एक चेन। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी रहेगा? उसके लिए हमको ये देखना जरूरी रहेगा कि जो पहला वर्ड है उसका जो लास्ट लेटर है उससे हम लोग दूसरा वर्ड चालू करें, उसके बाद उसका जो लास्ट लेटर रहेगा उससे हम लोग तीसरा वर्ड चालू करेंगे, उसके बाद उसका लास्ट लेटर, ऐसे लास्ट 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 लेटर्स पकड़ के हमें एक नए 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 वर्ड्स फॉर्म करते जाना है, और उसको हम लोग बोलेंगे वर्ड चेन। कभी कभी हमको वहां पे दिया जाता है कि मेक अ वर्ड चेन ऑफ फोर वर्ड, और मेक अ वर्ड चेन ऑफ फाइव वर्ड्स, और मेक अ वर्ड चेन ऑफ 10 वर्ड्स। तो जितना आपको वहां पे बोलेंगे उतने वर्ड्स का आपको वर्ड चेन बनाना होगा। इसका डेफिनेशन मैं आपको लिख के देती हूँ, वो आपको लर्न करना है, अपने नोटबुक में लिखना है। तो सबसे पहले होता है अ वर्ड चेन कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स ऑफ अ सर्टेन कैटेगरी लेटर दैट द प्रीवियस वर्ड has ended with, okay? So word chain क्या है? जैसे मैंने बताया, बहुत सारे words जो एक chain के format में लिखे हुए हो, लेकिन कैसे? पहले word के last alphabet से। दूसरा word भी कैसे चालू होगा? पहले word के last alphabet से। So a word chain consists of words, वर्ड्स को वो अपने साथ जोड़ती है, ऑफ अ सर्टन कैटेगरी। वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि किस किस कैटेगरी के या किस किस टाइप के वर्ड चेन होती है। दैट बिगिन विद द लेटर दैट द प्रीवियस वर्ड हैज एंडेड विद। जो प्रीवियस वर्ड रहेगा वो जिससे एंड होगा उस लेटर से ही हमें नया वर्ड स्टार्ट करना है, उससे हमारी वर्ड चेन बन जाएगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला कैटेगरी, कैटेगरी मीन्स उसके भी टाइप्स है, वर्ड चेन के टाइप है, वो चार टाइप अभी इस वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूं। सो सबसे पहला टाइप हम लोग देखेंगे, जो कि कोई टाइप ही नहीं है, जिसको हम लोग बोलेंगे एकदम बेसिक वर्ड चेन, या तो नॉर्मल जो हमारी वर्ड चेन है वो। बेसिक या नॉर्मल वर्ड चेन, इसमें हम लोग कोई भी वर्ड ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख लिया लाइट, और जैसे मैंने बोला कि लास्ट वर्ड जिससे एंड होगा उससे हमारा नया वर्ड स्टार्ट होगा, सो लाइट, उसके बाद हो जाएगा टी आया है तो टीयर, उसके बाद हमारे पास है आर, तो आर से हम लोग लिखेंगे रैट, उसके बाद है टी, तो टी से हम लोग कौन सा वर्ड लिखेंगे? वी आर मेकिंग वर्ड चेन विद द लास्ट अल्फाबेट, तो टी से हमारा आएगा टेबल, उसके बाद है ई, ई से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? एलिफेंट, उसके बाद फिर से हमारे पास आया है टी, टी से हम लोग क्या लिख सकते हैं? ट्यूबलाइट, उसके बाद फिर से हमारे पास टी आया, टी से हम लोग फिर से लिख सकते हैं टॉल, उसके बाद है एल, एल से हम लोग क्या लिख सकते हैं? लायन, लायन लिख सकते हैं हम लोग एल से, बिकॉज वी हैव नो फाउंडेशन, वी आर मेकिंग अ बेसिक नॉर्मल, कोई कैटेगरी नहीं है इसमें, इसीलिए कोई भी वर्ड हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो लायन एल से आ गया नेस्ट, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बहुत लंबी आपकी वर्ड चेन यहाँ पे बन सकती है। तो यहाँ पे आप जितने वर्ड ऐड करना चाहो आगे आप लोग कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टाइप। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वहां पे मेंशन नहीं किया होता है कि उनको कौन सी वर्ड चाहिए, चेन चाहिए, तो उस टाइम पे हम लोग एक बेसिक नॉर्मल सी वर्ड चेन बना के एग्जाम में लिख सकते हैं।
उसके बाद दूसरी वर्डचेन हम लोग बनाएंगे नाउन। नाउन तो सबको पता ही है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाउन। सो नाउन की कभी कभी हमें वर्ड चेन पूछी जाती है, तो इसमें जब हम लोग वर्ड्स लिखेंगे तो ये तो बात ध्यान में रखनी ही है कि लास्ट अल्फाबेट से वर्ड स्टार्ट होगा, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि हमें जो भी वर्ड हमारे चेन में ऐड करने हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, नाउन होने चाहिए, तभी हमारी नाउन की वर्ड चेन बन पाएगी। तो सबसे पहले नाउन में हम लोग ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया ट्री। ट्री किसको कहते हैं हम लोग, पेड़ को ट्री कहते हैं ना, तो ट्री इज अ नाउन। उसके बाद ई है, तो ई से मैंने लिख लिया ईगल। उसके बाद फिर से ई आया, तो ई से मैंने लिख लिया एलिफेंट। जो भी मैं लिख रही हूँ सारे के सारे नाउन्स है, किसी चीज के वो नाम है, या तो किसी एनिमल का नाम है, किसी इंसान का नाम है, किसी जगह का नाम है, सारे नाउन्स मैं इसमें इंक्लूड करने वाली हूँ। उसके बाद है टी। टी से हम लोग क्या लिखेंगे, टाइगर। आर से मैं लिखूंगी रैबिट। फिर से टी आ गया, तो टी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर से टोमैटो। टोमैटो इज ऑल्सो अ नाउन, हम लोग टमाटर को टोमैटो बोलते हैं, तो ये भी एक नाउन है। बाद में आया है ओ। ओ से हम लोग लिखेंगे ऑरेंज। बाद में फिर से हमारे पास ई आया, तो ई से हम लोग लिख सकते हैं ईयर, हमारा कान जिसको हम लोग ईयर बोलते हैं। तो ये भी हमारे नाउन्स की एक चेन तैयार होगी जिसमें हमने सारे नाउन्स को इंक्लूड किया है और कोई भी दूसरा बाहर का वर्ड नहीं डाला है। तो ये एक वर्ड चेन का सेकेंड टाइप हो गया। अभी हम लोग देखेंगे थर्ड टाइप। थर्ड टाइप होगा वर्ब चेन, अ चेन ऑफ वर्ब्स। अभी तो आपको समझ में आया ही होगा, हम लोगों ने बेसिक में सारे विदाउट नो फाउंडेशन वी हैव इंक्लूडेड एवरी वर्ड्स इन नाउन, वी हैव इंक्लूडेड अ वर्ड्स विच आर नाउन्स। नाउ अभी वर्ब्स है, तो वर्ब से हम लोग सिर्फ वर्ब ही इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले ये तो बहुत ईजी है ईट, उसके बाद है टॉक, उसके बाद है नो, उसके बाद है डब्ल्यू। डब्ल्यू से क्या आएगा बताओ, डब्ल्यू से वेट। वेट के बाद क्या आएगा, टीयर। सॉरी यहाँ पे हम लोगों को बीच में हाइफन भी देना है। उसके बाद वेट, उसका लास्ट है टी। टी से क्या आएगा, टीयर। उसके बाद फिर से आर आया, आर से क्या आएगा, रन। ये जो भी मैं वर्ड्स लिख रही हूँ सारे वर्ब्स है। वर्ब्स है मीन्स दीज आर एक्शन वर्ड्स, सारे के सारे एक्शन वर्ड्स है जिससे हमको किसी ना किसी एक्शन के बारे में पता चल रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं वर्ब्स। तो इसमें सारे हम लोगों को एक्शन वर्ब इंक्लूड करने। उसके बाद आया है एन से हम लोग लिखेंगे नीड। ओके यहाँ पे आया है डी। डी से हम लोग लिखेंगे ब्राइट। सो और आगे हम लोग बहुत सारे वर्ड्स इसमें भी ऐड करते जा सकते हैं। सो इस तरीके से हमारी वर्ब की भी चेन यहाँ पे बन गई। तो ये तीन टाइप अभी यहाँ पे हमारे हो गए। अभी हम लोग फोर्थ टाइप देखेंगे। फोर्थ टाइप है एडजेक्टिव। हमारा फोर्थ टाइप है एडजेक्टिव। इसमें हमें एडजेक्टिव वाले सारे वर्ड्स इस चेन में ऐड करने हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगी ब्यूटीफुल। उसके बाद एल आया है, तो एल से आएगा लवली। उसके बाद आया है वाई, तो वाई से हमें यील्ड। उसके बाद आया है डी। डी से हम लोग लिख सकते हैं डियर, डियर। बाद में है यहाँ पे आर, लास्ट वर्ड हमारा आर है, तो आर से हम लोग लिखेंगे रश। उसके बाद आया है एच। एच से स्टार्ट होने वाला एडजेक्टिव हमें याद करना है और याद करके फिर यहाँ पे लिखना है। मैंने लिख दिया ऑनेस्ट। उसके बाद आया है टी। टी से हम लोग लिख सकते हैं टेंस। बाद में फिर से डी आया है, डी से हम लोग लिख सकते हैं डैपर। ये सारे वर्ड्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे के सारे हैं एडजेक्टिव्स, और इसको ध्यान में रख के मैंने एडजेक्टिव का एक वर्ड चेन बनाया है। हर एक लास्ट वर्ड से दूसरा वर्ड यहाँ पे चालू हुआ है। तो ये सारी हमारी बन गई है
चेयर ऑफ एडजेक्टिव। तो आई होप आप सब लोगों को अभी ये चारों टाइप, कौन कौन से चारों टाइप थे, बेसिक या तो जिसको नॉर्मल बोलेंगे हम लोग, दूसरा टाइप था नाउन, उसके बाद था वर्ब्स और एडजेक्टिव। तो ये चार टाइप वर्ड चेन के आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आई होप एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आपको आएगा तो आप इजीली कोई भी वर्ड चेन बना सकते हो।